बिग बॉस सीजन 17 में अभिषेक कुमार वापस आ चुके हैं, जिसके बाद फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। सलमान खान ने भी अभिषेक का सपोर्ट किया और ईशा और समर्थ की बुरी तरीके से क्लास लगाई। बता दें, बिग बॉस सीजन 17 से हाल ही में अभिषेक को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्होंने समर्थ जुरेल को थप्पड़ मारा था। हालांकि समर्थ को ये थप्पड़ इसलिए पड़ा था क्योंकि वो कई दिनों से ईशा के साथ मिलकर अभिषेक को उकसा रहे थे और इस थप्पड़ कांड का घर में बड़ा मुद्दा बना, जिसके बाद अभिषेक को कैप्टन अंकिता के फैसले के आधार पर घर से बाहर निकाल दिया गया। अभिषेक कुमार को निकाले जाने के बाद से ही सोशल मीडिया एक्स पर फैंस काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने अभिषेक को न सिर्फ शो में वापस लाने की मांग की बल्कि उन्हें उकसाने के लिए समर्थ जुरेल और ईशा मालविया को भी खूब खरी खोटी सुनाई। अब फटकार लगाने की बारी सलमान खान की थी। सलमान ने आते ही ईशा और समर्थ की बुरी तरीके से क्लास लगाई और अभिषेक को भी वो वापस ले आए। मेकर्स ने 6 जनवरी के एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें सलमान खान अभिषेक की गलती बता रही हैं, पर साथ ये भी बोल रहे हैं कि ईशा और समर्थ ने उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था। सलमान बोले, अभिषेक गलत है, 100% गलत है, लेकिन उसको उस मुकाम तक पहुंचाने वाला वो गलत नहीं है। टिश्यू पेपर मुंह पर थोपना, ब्लैंकेट, बाप का मेंटल बेटा, आप लोग ये सब देख रहे थे। किसी ने समर्थ को रोकने की कोशिश नहीं की क्या? किसी ने समर्थ को रोका और बोला कि मत कर, ये पागल हो गया है क्या? ईशा, अगर आप अभिषेक होते और समर्थ आपके साथ ये करता तो आप क्या करती? यानी कुल मिलाकर सलमान खान ने ईशा और समर्थ को काफी कुछ कहा और ऐसे में अभिषेक का उन्होंने सपोर्ट भी किया। जवाब में ईशा ने कहा, मारती सर, मार देती मैं। तब सलमान समर्थ से पूछते हैं कि एंड रिजल्ट आपको यही चाहिए था ना, कि वो आप पर हाथ उठाए, तो क्या ये प्लान था? सलमान बोलते हैं कि उन्हें अभिषेक के ट्रिगर पॉइंट पता थे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेसिकली ये आपको फिनाले चाहिए था जो कि होगा और ये आपने सक्सेसफुली भी किया। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस के घर में अभिषेक की री एंट्री के बाद समर्थ और ईशा क्या करते हैं। वेल, अगर आप भी बिग बॉस सीजन 17 को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।